बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आसिफ महमूद अवान, सरकार टीवी डॉट कॉम से। हम इस टाइम बेवल इंटरनेशनल हॉस्पिटल के बाहर मौजूद हैं, जहाँ पे हम लोग पता करेंगे, क्योंकि यहाँ पे पैसा सारा ट्रस्ट का आता है, जो कि यूके से डोनर्स हैं वो डोनेट करते हैं। और यहाँ पे बकौल चौधरी इश्तियाक साहब के नादार और गरीब लोगों का इलाज मुफ्त होता है। देखते हैं, अभी चल के लोगों से बात करते हैं, ताकि पता चले हमें कि वाकई ऐसा है जैसा वो बोल रहे हैं। और कुछ हमने जो अपने तौर पे पता किया है, उससे तो मालूम हुआ है कि यहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल की तरह चार्जेस लिए जाते हैं। लेकिन आए, देखते हैं फिर क्या होता है। मैं मेडिकल ऑफिसर हूँ। अच्छा, जनरल प्रैक्टिशनर जिसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं इस टाइम डॉक्टर फरहान के साथ मौजूद हूँ, जो कि मेडिकल ऑफिसर हैं बेवल इंटरनेशनल हॉस्पिटल से। आए, इनसे पूछते हैं कि यहाँ पे कितने मरीज जो है इनके पास आते हैं। डॉक्टर साहब, आप ये बताएं कि कितने मरीज आपके पास तकरीबन एक मंथ में उनका टर्न ओवर है? हमारे पास ऑलमोस्ट 500 to 600 पेशेंट्स होते हैं, जिसमें बच्चों के अलग कैटेगरी है, गायनी की अलग कैटेगरी है, और जनरल जो पेशेंट देखे जाते हैं वो अलग तरीके से होते हैं। इसमें से अक्सर पेशेंट जो होते हैं, जो कि बेसिकली जो बीमारियां होती हैं वो यहाँ पे डायग्नोस्ड हो जाती हैं, ट्रीटमेंट हो जाती है उनकी, और बाकी जो के सीरियस पेशेंट्स होते हैं उनको हम रेफर करके, डायग्नोस करके आगे टर्शियरी केयर हॉस्पिटल्स में भिजवा देते हैं। आपके पास इधर डायलिसिस मशीनें हैं? नहीं, हमारे पास डायलिसिस नहीं है, लेकिन हमारे पास टेस्ट मौजूद हैं, जिससे हम ये तशखीस कर लेते हैं कि पेशेंट को डायलिसिस की ज़रूरत है या नहीं, उस हिसाब से फिर हम उनको रावलपिंडी रेफर कर देते हैं। अच्छा, और आप ये बताएं कि ये जो यहाँ पे ट्रस्ट की तरफ से मरीज आते हैं, उनका कोई फॉर्म है जो आप पूर करते हैं पहले, उसके बाद आप उनका इलाज शुरू करते हैं, कोई है ऐसा सिस्टम? हमारे पास बेसिकली यहाँ पे जो ऑनर्स होते हैं मौजूद होते हैं, एनी टाइम ऑन कॉल मौजूद होते हैं, और यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है उसके पास फुल अथॉरिटी होती है कि किसी भी पेशेंट को जो कि डॉक्टर डिजर्व समझता है कि उसको ज़रूरत है, उसको फ्री ऑफ चार्ज मेडिसिन, चेकअप, इन्वेस्टिगेशन सब कुछ फ्री होता है उनका। अच्छा, और उसके अलावा ये जो यहाँ पे आपके पास मेरा ख्याल मरीज रहते भी हैं, यहाँ पे गायनाकोलॉजिस्ट भी आपके पास हैं डॉक्टर जो है, तो वो जो बच्चों के यहाँ पे ऑपरेशन वगैरह होते हैं, क्या आप समझते हैं कि वो इस इलाके के लोगों के लिए बहुत फ़ायदे की चीज़ है, या इन्हें वापस गुजर खान शहर ही जाना चाहिए? ये इनके लिए एक बहुत फैसिलिटी है यहाँ पे। आपको जैसे पता है गायनी की इमरजेंसी किसी वक्त भी हो जाती है, तो हमारे पास डॉक्टर मौजूद हैं यहाँ पे, पीड्स के स्पेशलिस्ट भी मौजूद हैं। बच्चा पैदा होता है, गायनी का सी सेक्शन होता है उनका, फ़ौरन से पीड्स वाले डॉक्टर साहब उनको देख लेते हैं, मुआयना कर लेते हैं। और इसके अलावा बाकी हमारे पास जो है ओटी, लेटेस्ट ओटी मौजूद है, जिसमें हर किस्म का ऑपरेशन हो सकता है। थैंक यू डॉक्टर साहब। ये थे डॉक्टर फरहान साहब, मेडिकल ऑफिसर बेवल इंटरनेशनल हॉस्पिटल। अच्छा, तुसा इलाज जिला उतु बच्ची ना कराना शुरू कीता, तो तुसा की पहले उन्हें क्या कहा जी इसकी बच्ची क्या प्रॉब्लम ही है, उन्हें को तुसा की पहले टेस्ट ही दिते वगैरह किंदे ने? अच्छा, उन्हें आज कौन इंशाल्लाह ठीक हो जासी, वैसे बड़ा बुखार जड़ा है, एक नहीं है ठीक है, उसमें पूरे जिस्म में दर्द है, इन्हें डॉक्टर तारे का ऐसे बड़ा बुखार है, उन्हें नहीं बड़ा बुखार नहीं है, इसने हड्डियां ना मसला आया ठीक, और टेस्ट चेस्ट किंदे ने, लेकिन कौन खास चढ़ा ना, वक्ती तौर जरा फर्क पिया, हूँ ठीक है, हूँ कर गई जाओ, फिर दूसरे तीसरे दिन फिर उससे। तो यानी कि तुसा वो बेड कितने दिन से तुसा आए थे? बेड तकरीबन तकरीबन पंजे दिन से आ गए से। अच्छा, तो रोज ना पैसे वो चार्ज करने से? हाँ, रोज नहीं। कितने पैसे किन्ने रहे बेड रहे? ये तो एंड पर पता लगा जी, उन्हें आज 8000 रुपया दियो जी। अच्छा,3000 रुपया गड्डी ना देसा अगर समोट जाना, चलो फिर 2600 चाहिए, और बाकी असा अगे ज़कात फार्म लाई किन्ने है। तो 2600 रुपया जेड़ा देता है उसना, और सीधा बने 2600 लिखा है? 2600 लिखा है। ठीक है, तो तुसा कह समझे हो कि ये इलाज फ्री होना पे बेवल अस्पताल भी जेड़ा करने पे हो लोग फ्री ने, लेकिन ना ही आने जी, हुन बाहर ट्रस्ट लिखा उन्हें जा और जाने जी, सारे खर्चे नहीं पूरे होने, पूरे नहीं होने खर्चे। अच्छा, इस्लामाबाद
जे हुण आहो जाने जी असा शफा इंटरनेशनल जड़ा ये उसने हवाले किया वा। अच्छा, ये प्राइवेट अस्पताल साड़ा हुण तो प्राइवेट अस्पताल दिते आ, चलो सारियां गल्लां मन्ने आ, लेकिन तुसा ना 28-30 हज़ार रुपया खर्चा आया बच्ची ने इलाज पर, लेकिन हुण बच्ची दी सेहत कैसी है? फिलहाल कोई आराम को नहीं, कोई आराम को नहीं। उनको थोड़ी इलाज कराने पे बच्ची ने सुन आम लोकल है जेड़ा कोई दसना फलाने डॉक्टर कण हो होम्योपैथिक नहीं कण हो बस इस रहे ते तुसा कह समने हो के इथे जेड़ा और कोई सरकारी अस्पताल थे आवे बेवल ने अंदर के कोई नहीं बेवल डिस्पेंसरी वगैरह कोई हॉस्पिटल सरकारी तौर पर जेड़ा वे डिस्पेंसरी है वो पार जड़ी है। अच्छा, कम करनी भी हो? जी हां कम कर। तो उठा है बच्ची की चेक कराया तुसा? ना मैं उठा ना गया। क्यों ना गए उठा है? भाई क्या वजह उठा? इलाज नहीं ठीक या दवाइयां नहीं मिली? इलाज ठीक सी, असल च उठा रोला सी रोड शॉट कोन सी। अच्छा, वो गड्डी छड़ी नहीं होण आने रोड शॉट बनाया नहीं। अच्छा, पहले मोटरसाइकिल भी जाना पड़ा सी। हां फिर बच्ची होवे बीमार होवे तो फिर वो नहीं जा होना। ठीक है जी, तो आपने देखा कि यहाँ बेवल इंटरनेशनल हॉस्पिटल का क्या हाल है। डोनर वहाँ पे लाखों पाउंड इनको देते हैं और ये अपनी जेबें भरते हैं। यहाँ पे लोग 30,000, 40,000, 25,000 रुपये में इलाज करा रहे हैं और फिर भी इनकी बेटी 5 दिन वहाँ पे एडमिट रहने के बाद भी ठीक नहीं हुई। आज भी ये किसी और डॉक्टर के पास जाके उसका इलाज करा रहे हैं। कैमरा मैन DJ आदिल के साथ आसिम महमूद दवान, सरकार TV, गुजर खान। जी मैं बेवल हॉस्पिटल गुजरखान जूद हूँ इस टाइम और यहाँ पे मरीज जो हैं वो बेचारे बैठे हुए हैं। आज का टाइम दिया हुआ था आई स्पेशलिस्ट ने चेक करने का और वो बेचारे मरीज घर से हैं कि जी आज आपका ऑपरेशन करना है, लेकिन यहाँ पे आके तो पता चला कि डॉक्टर भी मौजूद नहीं है। और बेवल इंटरनेशनल का अमला जो है वो इतना एक फियर फील कर रहा है कि आप क्यों आ गए जी कैमरे के साथ अंदर, आप ऐसा नहीं कर सकते। देखें ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, अगर यही चीज़ें आप नहीं करेंगे, आप बाहर से पैसा इकट्ठा करते हैं किस लिए करते हैं? जब आपका ये काम नहीं ठीक, मेरे ख्याल में आप पैसा अपनी जेब में डालते हैं, इस वजह से आपको डर है कि कहीं आपका राज अफशान ना हो जाए। लोग 18-18 हज़ार, 25-25 हज़ार रुपये दे के ऑपरेशन करा रहे हैं और वहाँ पर लिखा जाता है कि ट्रस्ट हॉस्पिटल है। शुक्रिया।